ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہماری زندگی اس دنیا کی دلچسپیوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی واقعات بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ دلچسپ دنیا بھی اسی دنیا میں موجود ہے۔ مینار محض کہانی نہیں، واقعہ ہے، ایک حیرت انگیز واقعہ۔ وہ ایسے واقعات ہماری زندگی میں ناقابل یقین ہیں، مگر ان کے وجود سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ ڈلمائی پہاڑ پر 5 اکتوبر سن 1953 کو آدھی رات کے بعد۔ رام سنگھ! او رام سنگھ! کیا سو رہا ہے یار؟ اٹھ! ارے یار آج تو تم نے بہت برا حال کیا، تم نے تو رام سے اٹھا نہیں جائے بھائی۔ کیا جوان آدمی ہے، لے ایک بڑی تھی، گرمی آ جائے گی۔ اچھا لا، تو کرتا تو پی لیتا یار۔ دو تین دس ابھی تو 2 گھنٹہ باقی ہے یار، اب تو سونے دے میرے کو بابا۔ ارے یہ گولی کی آواز ہے! ارے گولی کی آواز کہاں سے آئی یار؟ ارے سامنے بنگلے سے گولی کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں Yes, carry on. Yes.
ये रिवाल्वर है, ये इसी में से निकली है, ये यूज्ड है सर, और ये लाश से निकली है। दोनों का नंबर एक ही है। फिर तुम कैसे कह रहे थे कि उसने खून नहीं किया है? सर मैं क्या, सब यही कह रहे हैं। सब कौन? जैसा कि मिस्टर रमन और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दोनों बेहतरीन दोस्त थे। बेहतरीन दोस्त थे मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। यस सर। फिर भी इसने इसका खून किया, वजह? समझे? यस सर, मुझे भी इस तरह का एक लिंक मिला है। व्हाट्स दैट? एक नाम है सर, रूपा। तो फिर पता लगाओ जल्दी, गो अहेड। यस सर। प्रोफेसर साहब हैं? जी हाँ। नमस्ते प्रोफेसर साहब, मुझे सिन्हा कहते हैं। जी मैं आपकी लड़की मिस रूपा से मिलना चाहता हूँ। रूपा? जी हाँ। उसका नाम तो शीला है, लेकिन आपकी लैब के असिस्टेंट मिस्टर रमन ने तो यही नाम बताया था। शीला के नाम रूपा बताया? जी हाँ। नहीं नहीं, हो सकता है उसकी कोई सहेली हो, मैं अभी उससे पूछता हूँ। ठहरिए प्रोफेसर साहब, आप तकलीफ न फरमाइए, मुझे उनसे कुछ सवालात और भी करना है। मिल सकता हूँ? जी हाँ आइए। नो प्लीज। लेकिन सुनिए। नमस्ते मिस शीला। ओह माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बैठ सकता हूँ? तो दिनेश और बिपिन बहुत गहरे दोस्त हैं? जी हाँ जी हाँ, ऐसे गहरे दोस्त हैं जिनकी मिसाल चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। और कुछ? आपको कोई वाक्य ऐसा भी याद है जिसमें इन दोनों दोस्तों के दरमियान जरा सी भी नाराजी हुई हो? आप तो जैसे हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि हम लोग दरिया की सैर को गए, इत्तेफाक से कश्ती उलट गई। बिपिन ने अपनी जान की बाजी लगाकर दिनेश की जान बचा ली। अब भी आपको कोई शक है? नहीं नहीं। अच्छा इन दोनों में आप किसको ज्यादा पसंद करती हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। आपको जवाब देना पड़ेगा, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मेरी मंगनी विपिन के साथ हो चुकी है और आज ही कल में शादी होने वाली है, आपको कोई एतराज है? जी नहीं, लेकिन मुमकिन है दिनेश को एतराज हो, और हो सकता है वो दिल ही दिल में आपसे मोहब्बत करता हो। मुमकिन क्या, बेहद मोहब्बत करता है और मैं भी उसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ? लेकिन सगे भाई बहन की तरह। जब तो बहन को जरूर मालूम होगा कि उसके भाई की दोस्त रूपा कौन लड़की है। रूपा? आपको कुछ गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, कोई दूसरा घर तलाश फरमाइए। लेकिन मिस्टर रमन ने दिनेश से अक्सर इसका नाम सुना है। ख्वाब में सुना होगा? जी हाँ, ख्वाब ही में नाम लिया करते थे। देखिए मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब यह मजाक काफी आगे बढ़ गया है। आखिर इन तमाम बातों का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? सुन सकेंगी आप? दिनेश ने बिपिन का खून कर दिया। क्या क्या कहा आपने? दिनेश ने बिपिन का खून कर दिया। क्या? पिताजी सुना आपने, क्या कहते हैं पिताजी? नहीं 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 हो सकता पिताजी। वाकई ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। लेकिन रात के 3 बजे उन्हीं के अपने कमरे में ये खून हुआ है। बिपिन अब कहाँ? लाश पोस्टमार्टम में है। और दिनेश? How much is it taking, nurse? About 40. Stop it. Temperature? 98.2.
75. Dr. Verma. Yes, sir. Oxygen. Nurse. डॉक्टर, छह घंटे के बाद भी होश में नहीं आया। समझ में नहीं आता कि बात क्या है। दिल, नब्ज, हर चीज नॉर्मल है, मगर होश में क्यों नहीं आता? खैर, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर, जिस तरह भी हो सके इसे होश में लाने की कोशिश कीजिए, वरना ये खून का राज हमेशा राज रहेगा। देखिए, कोशिश जारी है, और अगर हर कोशिश के बाद भी काम ना बन सका तो ये साइंस की दुनिया की हार कही जाएगी। मिस्टर सिन्हा, आपने इनके पिता को खबर कर दी? जी हाँ, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि वो किस तरह आएंगे। क्यों? कल ही तो उनका तार आया था कि दिनेश की मां बहुत बीमार है। Take it easy. Shabash. Good. You're all right now. Doctor, injection, quick. Good. That's right. Now, you must lie down. You must lie down. Now, take it easy. Good boy. You're all right. That's fine. Good. You're quite all right now. Don't worry at all. Inspector, Dinesh ki pitaji aage. प्रोफेसर साहब, कैसा है मेरा दिनेश? दिनेश अच्छा तो है। प्रोफेसर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? अच्छा हुआ आप आ गए। डॉक्टर साहब, कैसे है मेरा बेटा? अब होश में आ रहा है। आइए। दिनेश, दिनेश, ये देखो तुम्हारा पिताजी आ गए। बेटा मैं आ गया। कैसे हो तुम, बोलो ना। Speak to your father, Dinesh. Speak to your father. बोलो बेटा, बोलते नहीं मेरे लाल। कोई असर नहीं। ताजुब है? Dinesh. No response at all. क्या हुआ बेटा? Nurse, a pin. Quick exam. More. Doesn't respond. कोई असर नहीं है बिल्कुल। ताजुब है? Dinesh. Speak to me. बोलो बेटा। मेरी बातें नहीं सुन रहे हो? प्लीज, स्पीक टू मी। पेशेंट मर जाते तो? डॉक्टर, गोली का कोई असर हुआ? नहीं हुआ ना, फिर कैसे मर सकता है? Still you shouldn't have done it. डॉक्टर, ये मेरा एक ही लड़का है, आप इसे अच्छा कर दीजिए। मैं अपनी सारी दौलत सब कर देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ इसकी जिंदगी चाहता हूँ डॉक्टर। यस सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक रूपा का पता नहीं चला। रमन तुम्हारा साथ है ना? सब कुछ पूछ लिया तुमने? जी हाँ, मैं सब सवालात कर चुका हूँ। मरीज होश में तो आ गया ना? जी हाँ, मरीज होश में आ गया, आंखें खुली हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, ना मरीज बोलने के काबिल है और ना सुनने के। जी हाँ, 1 मिनट सर। यस, देखिए मेरी एक बात समझ में आई है। मेरे दोस्त डॉक्टर रॉय ने एक मशीन इजाद की है, ऐसे केसेस में वो मशीन काम आ सकती है। कहिए तो उनसे मदद ली जाए। वो मशीन बेकार से बेकार दिमाग को बोलने पर मजबूर कर देती है। कहिए तो अभी। यस, माइंड रीडिंग मशीन।
मैंने अब तक ऐसी कोई चीज नहीं सुनी। जान का खतरा तो नहीं? ऑल राइट, देन टेक ए चांस। इस वक्त 11 बज गए हैं, वहां पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तो होशियारी से काम करना। ओके डॉक्टर जीवन, रेडी? यस डॉक्टर। सिस्टर? यस डॉक्टर। वी आर ट्राइंग अगेन, स्विच ऑन। हंड्रेड, 200, अप, 300, स्टॉप। नाउ कम ऑन, कम ऑन। बोलो, बोलते क्यों नहीं? यस यस, स्टार्ट। क्यों मारा तुमने? क्या बात हुई? कम ऑन, अप अप। नाउ कम ऑन, 400, अप अप, 500, स्टे। अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा तुमने क्यों मारा उसे। वो तो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त था, फिर किस चीज ने तुम्हें उसे मारने पर मजबूर किया? स्पीक आउट, स्पीक आउट माय गुड बॉय, स्पीक आउट, स्पीक आउट। अब टू मच सर, कैरी ऑन। अब तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। यू मस्ट। वो दोस्त जिसने एक दिन तुम्हारी जान बचाई, क्यों तुमने उसे मारा? अब स्पीक आउट, स्पीक आउट, डू स्पीक आउट। आप लोग आ सकते हैं। लेकिन मरीज को परेशान ना कीजिए। इंस्पेक्टर? यस डॉक्टर। आपने बताया था कि खून ठीक 3 बजे रात के हुआ। जी हाँ, ठीक 3 बजे रात के हुआ। आपको याद होगा कि आपने एक और नाम बताया था, रूपा। जी हाँ। वो कौन है, कहाँ है? ये नाम सिर्फ ख्वाब में लिया करता था। आप एक साइंटिस्ट से बातें कर रहे हैं, आपकी बातें ना करें। मुजरिम फोन करके झरने की तरफ पहुंचा, उसके पिस्तौल में गोलियां थी? जी हाँ। तो फिर झरने में कूदने का मकसद क्या था? मकसद साफ है, खुदकशी का इरादा। नॉनसेंस, क्या वो रास्ते में एक गोली अपने आप को नहीं मार सकता था? मुजरिम खून करने के बाद या तो खुदकशी की कोशिश करता है या भागने की, मगर इसने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये इस कदर अजीब केस है, जितना मैं इसे सुलझाना चाहता हूं इतना ही उलझता जाता है। इसने खून किया है ये मैं मानता हूं, मगर मकसद क्या है ये इसे बताना ही पड़ेगा। सिस्टर, डॉक्टर, क्विक। ये मेरी आखिरी कोशिश। आर यू रेडी? यस डॉक्टर।
Get ready. अब बताओ तुमने क्यों मारा, क्यों मारा तुमने, क्या बात हुई? हाँ मैंने, हाँ बताओ। बीबी को हाँ फोन किया, मैं बताता हूँ। बीबी उस दिन सिस्टर मैगी भाई शिकार खेलने के लिए निकले, मैं परेशान था, पता नहीं क्यों उस दिन उस जंगल में घुसते ही मुझे एक एक अजीब बेचैनी सी महसूस होने लगी और कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई, बहुत रोने की कोशिश की मगर फिर भी हंसी आई। मजा क्या दिल को आता है, न जाने बेकरारी में तड़प उठा ये दीवाना, अगर दम भर खुशी आई तड़प उठा ये दीवाना, अगर दम भर खुशी आई कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। कभी बस्ती से घबरा के जो वीराने में आ निकले, तो बेचैनी भी साए की तरह पीछे चली आई, तो बेचैनी भी साए की तरह पीछे चली आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। किसी को भूल जाने का इरादा जो किया मैंने, मुझे रह रह के समझाने मेरे दिल की लगी आई, मुझे रह रह के समझाने मेरे दिल की लगी आई, कभी तन्हाइयों में एक ऐसी भी घड़ी आई। अगर हजूर को गाने का इतना ही शौक था तो किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शरीक हो गए होते। यहाँ शिकार खेलने आए हो या झक मारने? यार मैं इस गाने की मदद से तो शिकार ही घेर रहा था। तुम क्या मारो? चलो चलो।
पूरा एक बड़ी अजीब बात हुई। क्या? मैंने एक हिरण को गोली मारी, वो इस गुफा में घुस गया। चलो लेके आ। लाने की बात नहीं विपिन, जब मैं उस हिरण को उठाने लगा तो इस गुफा में एक अजीब कैफियत हुई। चारों तरफ से बहुत जोर का तूफान आया और मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई औरत बहुत दर्द भरी आवाज में बदला बदला चिल्ला रही हो। मुन्ना, रात को रूहों का जिक्र हो रहा था ना, वही ख्याल दिमाग में रख के सो गया होगा। चल आ मेरे साथ विपिन। अरे आ, हम हैं तो क्या कम है। अरे आप, असली शिकारी कभी हाथ आए शिकार को जाने देता है? अच्छा, अब मेरे साथ भी नहीं चलेगा? मैं सुना है आपकी मुलाकात को शेराया करते थे। अबे कुछ देर चल चल। हाँ शिकार, देखो पड़ा है कितना खूबसूरत शिकार है और तू इसे भूत समझकर भाग रहा है। लानत है तुझ पर। चल उठा। यार याद रख, उठाना तुझे ही पड़ेगा वरना ये डर हमेशा के लिए घर कर लेगा। चल बस चल। शेर तो नहीं, कभी कभी आपकी मुलाकात के लिए उल्लू जरूर आया करते। क्यों बेटा, यही थी ना वो आवाज? उल्लू हुआ है, अब हम औरत की और उल्लू की आवाज भी नहीं पहचान सकते। कैसी थी वो आवाज? क्या कह रही थी वो औरत? मैंने साफ साफ बदले का लफ्ज सुना है। बदला? और तुझसे? अरे तुझसे कोई औरत क्या बदला लेगी, लेकिन हाँ ले भी सकती है बेटा। किस तरह? हो सकता है कि तेरी मोहब्बत में फरियाद करते करते मर गई हो और तू उसकी फरियाद को उल्लू की आवाज समझता रहा हो। शीला, जिस तरह बहादुरी के सिलसिले में भीम और अर्जुन की कसम खाई जाती थी तो उसी तरह आजकल अपने दोस्त दिनेश की कसम खाई जाती है। अच्छा। आज एक अजीब वाकया हुआ। हम लोग घने जंगल में जा रहे थे कि दिनेश को एक तरफ से शेर ने और एक तरफ से जंगली हाथी ने घेर लिया। मगर वारे बहादुर, एक ही गोली से शेर एक तरफ और हाथी एक तरफ। कहाँ है वो हाथी और शेर? गौर से जो देखा तो एक तरफ कौवा मरा पड़ा था और दूसरी तरफ जख्मी हिरन भागा जा रहा था। फिर क्या हुआ? होना क्या था, भाई ने हिरन का पीछा किया और एक गार में घुस गया और वो जख्मी हिरन हिरन से एक खूबसूरत औरत की रूह बन गया। चाचा जी, आपको एक बात का फैसला करना होगा। क्या शरीर के साथ साथ आत्मा भी फना हो जाती है? नहीं, आत्मा एक रोशनी है, मिली जुली भगवान की रोशनी, वो कभी फना नहीं होती। आत्मा एक रोशनी है। 100 कैंडल पावर का बल्ब है। अब पूछो बेटा, क्या तुमने वो किताबें पढ़ी हैं जो हर जानदार चीज को इसी दुनिया की पैदावार साबित कर चुकी? आपने उन किताबों का तो जिक्र किया जो आपके मतलब की। लेकिन आपने उन किताबों का जिक्र नहीं किया जो ये साबित करती हैं कि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है और बार बार नए शरीर में जन्म लेती है। बेटा ऐसी कोई किताब ही नहीं। अरे मैं दिखाऊंगा। कहाँ हो या नहीं, लेकिन मैं भी यही मानती हूँ। तुम भी यही मानती? आत्मा और आशा एक ही चीज की दो नाम है। जिनमें इतनी उम्मीदें इसके लिए बहुत से जन्म चाहिए, समझे? नहीं बुद्धू की। सितारों से आगे जहां और भी
कहानी होगी। अबे लिखने वाला मेरे साथ बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, 30 साल के तजुर्बे के बाद ही किताब लिखी है। पहले सुन तो ले। लिखता है कि अगर जिंदगी में इंसान की कोई ख्वाहिश बावजूद तमाम कोशिशों के भी पूरी न हुई हो तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा नहीं मरती, उसी ख्वाहिश की तलाश में भटकती है। साइंटिस्ट की आवाज मुझे ऐसे मालूम होता है उसी उल्लू की आवाज से मिलती जुलती है जिसको तुमने औरत का धोखा हुआ। किसी की बात समझने की कोशिश नहीं किया करता। इंसान का दिमाग जब कुदरत की बनी हुई चीजों को नहीं समझ सकता तो इसी किस्म की बेकार बातों को बकने लगता है। आपके ख्याल से बेकार बातें हैं? जी हाँ, और अगर तुम भी इसी किस्म की बेकार बातें सोचते रहोगे तो कभी अच्छे साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अब वही उल्लू बनकर रह जाओगे जो उल्लू कहलाता है। भैया मशहूर ये है कि बड़ा अकलमंद जानवर है, मगर क्यों और क्यों कर ये किसी एक उल्लू को भी नहीं मालूम। अच्छा आप तशरीफ ले जाइए, बात तो मुझे नींद आ रही है, बात आपकी फिर सुनूंगा। भूत लग गया होगा। जानता था कि तुम ख्वाब में जरूर घबरा जाओगे और अब भी घबरा रहे हो। नहीं बिपिन, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। ये देखो अभी तक सब असर बाकी है। तुम्हें रात दिन में 3 दफा बर्फ के पानी से नहाने की जरूरत है। तो फिर ये खिड़की किसने खोली? हाँ खिड़की, हाँ मैंने अपने हाथ से बंद की थी। ये खिड़की तेज हवा तो बड़े बड़े महलों को उखाड़ कर फेंक देती है, मेरी जान ये तो जरा सी खिड़की है खुल गई। और
देखो अपनी रोशनी चौकीदार के हाथ में, देखा बस। दिमाग जोर दे रहा है कि तुम्हारी बात को मान लो, मगर मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं जाग रहा था। हमारा तुम अब भी जाग रहे हो। भूत भूत कहां? ये देख, ये छह फुट का भूत। चल सो जा, सो जा। और अगर तुझे डर लग रहा हो तो मैं भी यहाँ सो जाऊं। यार मैं डरता नहीं, तू मेरे हर बात को मजाक में उड़ा दिया करता है, तो अपने कमरे में जा। सुना है आपकी मुलाकात को अक्सर शेरा है। हाँ, हाँ, हाँ। मगर याद रखो, अब की मैं दरवाजा अंदर से बंद करके खोलूंगा, और अगर तुम चिल्लाओगे भी तब भी नहीं खोलूंगा। Thank you.
कौन सी चीज तुम्हें मेरे पास खींच लाई है? तुम्हारी आवाज। आवाज ने तुम्हारे ही दिल पर असर क्यों किया? ये तो मैं खुद भी नहीं समझ सकता। खुद समझ भी नहीं सकोगे। आओ, ये तुम्हें कैसे समझाऊं? आज तुम्हें यहां देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये तुम्हें कैसे समझाऊं? कितने दिनों के बाद मिले हो, अब मुझे यकीन आ गया दुनिया में हर चीज मर सकती है लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती। किसकी मोहब्बत? हमारी। बहुत दिन तो नहीं बीते। कौन से दिनों की बातें कर रही हो? कितने अच्छे थे वो दिन, ऐसे दिन जिन्हें बार बार हासिल करने को दिल चाहता है। लेकिन तुम हो कौन?
तुम्हारा नाम क्या है? रूपा। रूपा? मेरा नाम तो रूपमती था, तुम्ही ने तो प्यार से रूपा रखा था। मैंने? ये भी याद नहीं? याद तो मुझे कुछ भी नहीं पड़ता। दिल कहता है कि तुम्हें कहीं देखा है और आंखें कहती हैं कि तुम्हें इसी तरह से देखता रहूं। मैं अपने कमरे में आकर सो गया, लेकिन वो अजनबी लड़की रूपा मेरे दिमाग पर छाई रही। कितनी अजीब थी वो लड़की, रात भर उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने घूमती रही। मैं इसी तरह करवटें बदलता रहा। रमन ने आकर मुझे जगाया। रूपा, रूपा, रूपा। दिनेश, दिनेश, क्या करता है यार? अभी सोते में क्या वाही तबाही बक रहा था। रूपा, रूपा, ये रूपा कौन? अबे सोने दे, तंग मत कर। अभी ये कोई सोने का वक्त है? उठ जल्दी, चल उठ, उठ। पहले बिपिन को उठा ले, फिर मैं उठूंगा। अबे बिपिन तो कब का लेप जा चुका, और जाने से पहले तुझे जगाता रहा, लेकिन तू उठा ही नहीं। पता है इस वक्त क्या टाइम हुआ? 5:35। 5:35? हाँ, बिपिन लब से सीधा सीधा के घर पहुंचा होगा। चाय की मेज पर बैठे तुझे सब कोस रहे होंगे। ये तो मैं भूल ही गया था। और रात के क्लब का प्रोग्राम याद है ना? या अभी भूल गया? चल बेटा, तैयार हो जल्दी। चल 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 चल। हम तो पहले ही जानते थे कि वो पट्टा चाय की दावत में आने वाला नहीं। तुम्हारा दोस्त है, तुम नहीं जानोगे तो और कौन जानेगा? तुम्हारा कौन सा दुश्मन है? तुम क्यों नहीं फटकारती? बॉय, आजकल वो सिर्फ 3 काम करता है। रात भर गायब रहता है, दिन भर सोता है, और जब वक्त मिलता है तो रूहों की कहानियां पढ़ता है। मोहब्बत करने का हक हर नौजवान को है। कोई गैरतदार होता है, छुपा कर करता है। कोई बेगैरत होता है, खुला खजाने करता है। अच्छा जी, तो अब हम बेगैरत हुए? तुमको मोहब्बत करने का हक आती है। 4 दिन ना गुजरे, बाबूजी को शादी का पैगाम भेज दिया। जरा से दम लिया होता तो तुमने इनकार कर दिया होता। झट से हाँ क्यों कर दी? सिर्फ तुम्हारे दिल रखने के लिए। कोई टेढ़ी सी होती तो दनिश का सहाल करती, घर के 100 चक्कर खटवाती। लेकिन हम इस पर भी पीछा नहीं छोड़ते, और दिन रात यही शेर पढ़ते। तेरे दर पे इस बहाने हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तेरे सबके छोड़ देता हूँ नहीं तो अभी इसे छोड़ दिया। भाई तुम्हारा लिहाज है, तुम्हारी मोहब्बत भी इस आदमी को आदमी न बना सकती, बल्कि दिन पे दिन भांड होता जा रहा है। मोहब्बत भैया दो ही किस्म की होती है, नाकाम मोहब्बत और कामयाब मोहब्बत। नाकाम मोहब्बत मजनू बनाती है, और कामयाब मोहब्बत आदमी को भांड बनाती है। हाँ मियाँ, जले हुए तो जेले मारते हैं, तुम तो सिर्फ भांड ही कह रहे हो। लेकिन याद रख, अगर यही हालत रही तो वक्त बहुत करीब है। अभी से फैसला कर ले कि आगरे के पागलखाने में जाना है या बरेली के। यार ये तू मुझे पागल पागल क्या कहा करता है? कभी तो अकल की बात किया कर। जब तक इंसान जिंदगी की गहराइयों में नहीं जाता, वो कभी इंसान नहीं। और हाँ शीला, इन्हीं गहराइयों का एक रास्ता आगरे के पागलखाने में भी जाता है ना। अरे भैया तुम भी किसको मुंह लगाते हो, ये कोई इंसान है? हाँ?
जल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 चमा पे आके ओ परवाने जल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 सोचना मूर्ख बीत रहा है पल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 क्षमा पे आके परवाने जल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 को अपने आग लगा दे महफिल का यूं रंग जमा दे तन को अपने आग लगा दे तेरी राख से शम्मा बनेगी तेरी राख से शम्मा बनेगी कल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 शम्मा पे आके परवाने जल 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 प्यार के रास्ते हंसते हंसते चल 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 We'll be right back.
सजा तो तुम मुझे दे रही हो। सच? बहुत परेशान मालूम होते हो, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर ये हवाइयां। मुझे परेशान बनाने वाले ये पूछ रहे हैं कि परेशान क्यों हो। फिर कहो ये खूबसूरत जुमला, तुम्हारे सुंदर होठों से कितना प्यारा मालूम होता है। अगर एक दफा मुझे ये मालूम हो जाए कि तुम कौन हो, तो मैं सारी दुनिया तुम्हारे कदमों पर निछावर कर सकता हूँ। मुझे दुनिया की नहीं, तुम्हारी तलाश है, सिर्फ तुम्हारी तलाश। रात की इस खामोशी में तुम मुझे मिलन की गीत सुनाओ और मैं तुम्हें उन प्रेमियों के अफसाने सुनाऊंगी जिन्होंने एक दूसरे को पाने के लिए सारी जिंदगी गुजार दी थी। मुझे मिलन के गीत नहीं आते, मैं उन प्रेमियों के अफसाने भी नहीं सुनना चाहता। मुझे तो इस वक्त तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारा ये मासूम चेहरा अपनी तरफ खींच रहा है। दिल में आता है कि तुम्हारी इन जुल्फों में मुंह छुपाकर हमेशा हमेशा के लिए। मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये सुंदर सपना टूट जाएगा और फिर मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगी। तुम मेरे बढ़ते हुए हाथ रोक सकती हो, लेकिन मेरी बढ़ती हुई उमंगें नहीं रोक सकती। तुम्हारा दिल मेरे दिल से सब कुछ कह चुका है। तुम्हारे दिल ने क्या जवाब दिया? न जाने कितनी बार पूछ चुकी हूँ, साफ जवाब ही नहीं देता। घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर दिल से बदला ले लेंगे। बदला लेंगे? हाँ, जब आत्मा आत्मा से मिल जाएगी, न दिल होगा न दिल की ख्वाहिश। वो वक्त कब आएगा? बहुत जल्दी, कितना हसीन मौसम है ये। हाँ, कितना हसीन। वो देखो, सामने बंधी हुई नाव इस तरह डगमग डगमग कर रही है कि नाव पर हाथ रखकर दिल की धड़कने गिन लो और दिल पर हाथ रखकर नाव की धड़कने गिन लो। तुम्हें नाव चलाने का शौक है? सामने जब भरपूर बहार नजर आ रही हो तो जहर खाने का शौक भी पैदा हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज बहार ने तुम्हारे दिल पर भी असर किया है। आओ, तुम सोच क्या रहे हो?
आज तुमने अपने किश्ती के पतवार मेरे हाथों में सौंप दिए। अब तुम्हें डरना नहीं चाहिए। डर तो मुझे नहीं मालूम होता। तुम चाहो तो मुझे सात समुद्र पार भी ले जा सकती हो, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा कौन होता हूँ। एक उदास क्यों हो गई? क्या हुआ तुम्हें? उधर क्या देख रही हो? मैं तो सब कुछ देख रही हूं, लेकिन तुम कुछ नहीं देख सकते। उस मीनार के पास पानी के नीचे जिंदगी का राज छुपा है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन तुम परेशान ना हो, आओ मेरे साथ आओ। लिखा है रूप मती प्रताप।
ये प्रताप कौन है? तुम प्रताप को नहीं जानते? मैं किसी प्रताप को नहीं जानता। कितनी अजीब बात है, इंसान कैसे सब कुछ भूल जाता है। इस दरख्त के साए में रूपा और प्रताप की मोहब्बत बढ़कर जवान हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती सब बात क्या है? मेरी कहानी ही कुछ ऐसी है कि समझ में नहीं आता। ये जगह तुम्हें याद है? मैं तो यहां पहले कभी नहीं आया। ये जगह तुम्हें याद है? वो कहानी। कहानी? कौन सी कहानी? वो कहानी जब यहां दो प्रेमी आए थे और प्रार्थना की थी कि वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकेगी। याद है तुम्हें? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मैं आखिरी कोशिश करूंगी। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन आओ मेरे साथ। वो दरवाजा खोलो, खोलो। है अंदर? आजा, आजा अंदर। मेरा बेटा आ गया, आ गया प्रताप। मैं जानती थी जरूर आएगा। बहू को साथ लाया है ना बेटा? हाँ? बेटा पता? अरे कहाँ चला गया? रूपा, रूपा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं ये मालूम करना चाहता था इस मकान में बुढ़िया कौन रहती है। ये तो मैं नहीं जानती। 20 साल हुए ये चर्च बना था, जब से इसको इसी हालत में देखते हैं। हर आने जाने वाले की आवाज पर एक ही जुमला कहती है, आ गया मेरा प्रताप। बहू को भी साथ लाया है ना बेटा? और कभी कभी किसी अर्जुन का भी नाम लेती है साथ में। पागल है बेचारी। ओह, शुक्रिया। तुझे तलाश कर रही थी। आ गया बेटा, आ गया। सूरत वही, आंखें वही, कद वही। बहू? मगर बहू कहाँ है? बहू को नहीं लाया तो तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। देख, जमाना बदल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, समुद्र का पानी सूख सकता है, मगर एक राजपूत की आन न बदली है न कभी बदल सकती है। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। हरगिज नहीं हो सकता। चला जा, 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 जा।
तुमने पहचाना? कौन है बुढ़िया? मुझे तो पागल मालूम होती है। ऐसा मत कहो, वो पागल नहीं, वो तुम्हारी। सिर्फ एक साया हो, तुम्हारा इस जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। उसका तो आजकल यही हाल है, केश के शुक्ल है बेरोजगारों का, और नहीं लगती है जिनकी नौकरी वो दिल लगाते हैं। दीपे बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, आता क्यों नहीं? यार इस कदर ब्रिलियंट स्कॉलर जिसने कभी लैब नहीं छोड़ा हो, आजकल यूं गायब रहता है जैसे कहीं बाहर गया हो। विपिन तुम क्यों नहीं समझाते, इंसान करीब आ गया है भाई। मेरे खुद समझ में नहीं आता, आज मैं सख्ती से काम लूंगा चाहे झगड़े क्यों ना हो जाए। झगड़े की क्या बात है, वो तो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। दोस्त? मैं उसे सगे भाई से भी ज्यादा चाहता हूँ। चलो आप पहले आप। अरे चलना, 5 फीट ना थे। आप अब आए? हाँ हाँ, क्यों जी? अब तो बंद होने का वक्त है। ओ कुछ कह गए थे तुमसे? कुछ भी तो नहीं कहा बाबूजी। कुछ भी तो नहीं कहा बाबूजी? अरे कुछ आने के लिए कह गए थे कि किस वक्त आएंगे? मैंने पूछा नहीं बाबूजी। पूछा नहीं? क्यों नहीं पूछा गधा कहीं का? आप भी खामखा गुस्सा करते हैं बाबूजी, मालिक से कैसे पूछ लेता? मालिक से कैसे पूछ लेता, बुड्ढा हो गया अभी तक ये भी नहीं आया कि मालिक से कैसे पूछना। हेलो बेबी। हेलो के बच्चे, कहां मर गए? कई दिनों से लैब में नहीं आए, रात रात भर घर से गायब रहते हो और दिन भर सोते हो, ये भी कोई जिंदगी है? अगर यही हालत रहे तो किस दिन बरेली आगरे के पागलखाने में नजर आओगे। क्या बात है, बहुत बिगड़ रहा है? 5 बजे से ढूंढ रहा हूं, लाट साहब गायब, पिताजी का तार आया, तुम्हारी माता जी सख्त बीमार है। माँ बीमार है? हाँ। ओह,
टिफिन, मैं अभी जाऊंगा। मगन मेरा सामान बांध दे। जी हुजूर। अभी कैसे जाओगे, गाड़ी तो 20 मिनट पहले चली गई, अब दूसरी गाड़ी रात के 3 बजे मिलेगी। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, घबराओ नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। इसको मैं बाहर रखूंगा, इसको नहीं। और मगन जी, जी बहुत देर हो गई, अब तुम जाओ। अच्छा नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। दिनेश 11 बज गए हैं, मैं सोता हूँ। ये देखो 2 बजे का अलार्म लगा दिया, कहीं सोते नहीं रह जाना। थैंक यू बेबी। पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, माताजी की तबीयत का हाल है, और अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो मुझे तार दे देना। अच्छी बात है। सब सामान ले लिया तुमने? कुछ भूले तो नहीं? तुम मुझे बिल्कुल बच्चा समझते हो, बच्चे से भी बहुत छोटा। ये देखो अपना रिवॉल्वर भूल चले, और अगर कहीं रास्ते में भूत मिल जाते तो। गुड बाय। गुड बाय। अरे जालिम गले से तो मिल ले, जिंदगी का क्या भरोसा? जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का मुझे बहुत भरोसा है बेबी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। गॉड ब्लेस यू। बर्बाद मोहब्बत को कब तक ये सजा दोगे, ना सामने आओगे ना अपना बता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। कुछ दर्द मोहब्बत की तुमको
शब की मुश्किल से सहर होगी, आखिर मुझे पहलू में कब तक न जगा दोगे, ना सामने आओगे, ना अपना बता दोगे, बर्बाद मोहब्बत को। मुझे इस तरह परेशान करने से तुम्हें क्या फायदा पहुंचता है? फायदे और नुकसान की बात से मैं बहुत दूर हूं। मैं तुम्हारी इस दुनिया की नहीं हूं। लेकिन मैं तो इसी दुनिया का जीता जागता इंसान हूं। मैं एक भटकी हुई आत्मा की बातों में कब तक दिलचस्पी ले सकता हूं? ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। चाहती तो मैं भी तुम्हारी तरह जीता जागता शरीर लेकर तुम्हारी इस दुनिया में आ सकती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैं आज तक भटक रही हूं। मैं अब तक नहीं समझ पाया कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। तुमने मेरी हस्ती को इस तरह अपने शिकंजे में जकड़ दिया है कि मैं सब कुछ छोड़कर भागने के लिए पागल हो रहा हूं। मैं भी यही चाहती हूं कि जो पागलपन मुझ में है वही पागलपन तुम में भी जाग उठे, ताकि तुम मेरा दर्द समझ सको। तुम्हारा दर्द कुछ भी हो लेकिन एक घायल हानि की तरह तुम्हें सुनसान रास्तों में भटकते हुए देखकर मुझे तुम पर तरस जरूर आता है। जब भी तुम्हें इस हालत में देखता हूं तो दिल में आता है कि दुनिया के तमाम काम छोड़कर तुम्हें इस गम के समुद्र से बाहर निकालकर सुख और शांति के रास्ते पर चलने के लिए छोड़ दूं। फिर कहो, फिर से कहो कि मेरी मदद करने को तुम्हारा दिल चाहता है, कहो। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुन सकूंगा। मैं जा रहा हूं, मेरी माँ बीमार है। मैं जानती हूं, लेकिन क्या तुमने कभी उस माँ का भी ख्याल किया है जो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम क्या उस पागल बुढ़िया का जिक्र कर रही हो? हाँ, उसी पागल बुढ़िया का। जानते हो वो पागल क्यों है? तुम्हारी ही वजह से। मेरी वजह से? हाँ, लेकिन वो तो किसी प्रताप को पुकार रही थी। तुम ही उसके प्रताप हो, वो तुम्हें ही पुकार रही है। मैं? तुम अजीब पहलियों में बातें करती हो। आज मैं सब पहलियों सुलझा दूंगी। लेकिन इस वक्त मैं एक पल भी नहीं छेड़ सकता। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। बरसों से तुम्हारी बूढ़ी माँ अपनी हड्डियों में सांस रोके हुए तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रही है। बरसों से एक अभागे तुम्हारे ही लिए गुफाओं में और सुनसान स्थानों में भटक रही है, और तुम तीन ही दिन में परेशान हो गए हो। आज तुम नहीं जा सकते, आज दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। आज की रात हमारी जिंदगी की अहम रात है। सुनो और ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं और क्या चाहती हूं ये बताने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे और अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। ये हमारे पिछले जन्म की बात है। हम हमेशा साथ साथ खेला करते थे, एक घड़ी के लिए भी जुदा नहीं होते थे। तुम्हें अर्जुन तो याद है? अर्जुन? कौन अर्जुन? उफ, तुम तो सब कुछ भूल चुके हो। बदमाश अर्जुन हमारे पड़ोस में रहता था। वो मेरी वजह से तुमसे बहुत चलता था। तुम्हें वो दिन याद है जब हम नदी के किनारे खेल रहे थे, कितने प्यारे प्यारे घर बना रहे थे, रेत के घर बनाना हमें कितना अच्छा लगता था। बड़ा घर मेरा और छोटा घर तुम्हारा। नहीं नहीं बाबा, बड़ा घर मेरा छोटा तुम्हारा। नहीं, बड़ा मेरा छोटा तुम्हारा। मैं कहती हूँ बड़ा मेरा छोटा तुम्हारा। मैं बोलता हूँ बड़ा मेरा छोटा तुम्हारा। फिर किसी का नहीं, हम नहीं। जाओ बाबा, तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ये मकान हमको नहीं चाहिए। जाओ, ये मकान हमको नहीं चाहिए। ये वो हम दोनों वो घर में रहेंगे। मैं कहाँ रहूंगा? तुम्हारा घर नहीं है। मैं भी इसी में रहूंगा। नहीं, बीमारी नहीं उस पे।
दोनों साथ साथ खेलते रहे। खेल ही खेल में समय बीत गया और हम दोनों बढ़कर जवान हो गए। जरा मुड़ के तो देखो साजना है साजना, जरा मुड़ के तो देखो साजना, वो पीछे रह गया बचपना और आगे खड़ी है जवानी, और आगे खड़ी है जवानी। बचपन का जमाना हो चुका हो चुका, बचपन का जमाना हो चुका, वो खेल पुराना हो चुका, अब होगी नई कहानी, अब होगी नई कहानी। आकाश पे तारे हैं वही, आकाश पे तारे हैं वही, दुनिया के नजारे हैं वही, है फिर भी नई कहानी, है फिर भी नई कहानी। जरा मुड़ के तो देखो साजना, वो पीछे रह गया बचपना और आगे खड़ी है जवानी, और आगे खड़ी है जवानी। मधुर मिलन का साज है, धड़कन में छुपा एक राज है, इस राज का नाम जवानी, इस राज का नाम जवानी। जरा मुड़ के तो देखो साजना है साजना, जरा मुड़ के तो देखो साजना, वो पीछे रह गया बचपना और आगे खड़ी है जवानी, और आगे खड़ी है जवानी। कौन है, कौन है? अर्जुन के अलावा ये और कौन हो सकता है? आखिर ये चाहता क्या है, हमारे पीछे क्यों पड़ा है? वो तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है। वो समझता है कि मुझे मारकर तुम्हारे आंसुओं से अपनी खानदानी जलन को ठंडा कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिस मीनार के पाए सच्चे और मजबूत हों, उसे बंदूक की गोलियों से नहीं गिराया जा सकता। मुझे डर लगता है। तुम डरती क्यों हो रूपा? हमारा और तुम्हारा तो जन्म जन्म का प्रताप, तुम्हें मालूम है सामने खंडर में शिव जी की मूर्ति है। हाँ हाँ, क्यों? जिसने जो कुछ मांगा है उस मूर्ति ने उसे वही दिया है। आओ हम भी वहां चलें और यही मांगें कि हम दोनों जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ रहें। आओ। देवता, लोग कहते हैं जिसने जो मांगा
उसको तुमने वही दिया। आज हम भी बहुत आशा लेकर आए हैं, हमें निराश तो नहीं करोगे? भगवान भी कभी किसी को निराश करते हैं। तुम हाथ जोड़कर मांगो तो सही। शिव शंकर, हम दोनों का प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे। मेरे साथ बोलोगे नहीं? शिव शंकर, हम दोनों का प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे और दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग न कर सके। आकाशात् पतितं तोयमता गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारा केशवं प्रति गच्छति। शुभमंगलो सावधान, शुभमंगलो सावधान, शुभमंगलो सावधान। सहोदरी नारायणी चंडिकाम्बिके जय जय जगदम्बे भवानी। शंकर, तुम्हारे चांद सूरज की जोड़ी को सदा बनाए रखे।
पहचान ली समा ये सुहाना नहीं है चिराना मिले बाहर में बाहर के मजे रेत के महल बनाए थे। हाँ, आज हमारे सारे सपने पूरे हो गए। हमारा प्रेम सच्चा था, इसीलिए हमारे सपने भी सच हो गए। आज तुम्हें यहां दुल्हन के रूप में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और देखो, आसमान का चांद भी हमें यहां देखकर कितना खुश हो रहा है। आज की रात रूपा, आज की रात भी हमेशा हमेशा याद रहेगी। अर्जुन, नहीं, नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। क्या हुआ प्रताप? ये क्या? क्या हुआ प्रताप? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रहे हो प्रताप? ये तुमने गोली चलाई। याद रख प्रताप, अगर बहू को साथ लेकर ना आया तो जमाने भर की औरतें मुझ पर हंसेगी, राजपूतों की इज्जत खाक में मिल जाएगी, खानदान का नाम निशान मिट जाएगा। प्रताप, जब तक तू बहू को साथ लेकर नहीं आएगा मैं तेरा इंतजार करूंगी। मैं नहीं मर सकती।
तुम्हारा ही कहना सही। अब हमारे तुम्हारे दरमियान कोई बाकी नहीं रहे। फिर मिलेंगे, हम मिले और प्रताप ने तुझसे बदला ले लिया बदला। प्रताप, चलो। प्रताप, आओ प्रताप।
तू ही जाओ। दिनेश, दिनेश, मेरे बेटे, मुझे न छोड़ना, मेरी उम्मीदें न तोड़ना बेटा, दिनेश, बेटा मेरी उम्मीदें न तोड़ना, दिनेश, मेरे बेटे। आपके साथ मोटर है? जी हाँ। तो चलिए तो मेरे साथ। मर गई? कब मरी? अभी। क्या हुआ इसे? समझ में नहीं आता। थोड़ी देर पहले मकान से कहती हुई निकली कि आ गया मेरा प्रताप, आ गया मेरा बेटा, ले आया बहू को। मैं जानती थी राजपूत का बेटा है, जरूर लाएगा, मैं जानती थी जरूर लाएगा। इतना कहकर बाहर निकली, दोनों हाथ उठाए जैसे कि उसने दोनों को गले से लगाया, गिरी और मर गई। इंस्पेक्टर, हमारी जिंदगी इसी दुनिया की दिलचस्पियों में उलझ कर रह जाती है, लेकिन कभी कभी वाकयात ये बताते हैं कि इससे भी ज्यादा दिलचस्प दुनिया इसी दुनिया में मौजूद है। अभी